खबर चमोली जिले से, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण विभाग की पहल पर वन स्टॉप सेंटर का फायदा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिल रहा है। एक ही छत के नीचे पीड़िता को विभाग की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता की जा रही है। चमोली जिले में 2019 से संचालित वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा, रहने की सुविधा, विधिक सहायता, पुलिस सहायता एवं परामर्श की सुविधा दी जा रही है। वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर रश्मि विष्टने ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से अभी तक 140 मामले आए हैं, जिनमें से 120 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं वन स्टॉप सेंटर में कानूनी सलाहकार गीता विश्व जानकारी देते हुए बताती हैं कि यहां पर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की जाती है। उन्हीं की कोशिश रहती है कि दोनों पक्ष में समझौता हो जाए ताकि उनका घर फिर से बस सके। यदि दोनों पक्षों का समझौता नहीं होता है तब आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है। अभी 18 मामले न्यायालय में चल रहे हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सेंटर मोस्टली घरेलू हिंसा के प्रकरणों के लिए कार्य करता है। ये यहाँ पे उत्तराखंड, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में 2019 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आती हैं, उनको हम यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं। जैसे मतलब एक ही खिड़की के नीचे, एक ही छत के नीचे एकल खिड़की योजना है, जिसमें हम महिलाओं को यहीं से रहने के लिए आवास सुविधा भी देते हैं। जिसको कानूनी सुविधा चाहिए होती है उसको कानूनी सुविधा, पुलिस की सहायता भी देते हैं। और हम महिलाओं को बताते हैं, जो पीड़ित महिलाएं रहती हैं, कि उनके क्या कानूनी अधिकार हैं जो यहाँ पर आती है। अगर उनका यहाँ पर समझौता हो जाता तो ठीक है, नहीं तो उनका 125 में मुकदमा कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। अगर वो दोनों पक्ष मंजूर है तो उनका तलाक का भी डाल सकते हैं। पर हम यहाँ पर कोशिश यही करते हैं कि समझौते से इनके मामले